नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हुए विविध आयोजन, एकता दिवस मनाते हुए निकाली गई रैली। रखौना रिंग रोड के पास से दो राष्ट्रीय गांजा तस्कर को पुलिस ने 30 किलो गांजे संग किया गिरफ्तार। करवा चौथ पर्व को देखते हुए बाजार हुए गुलजार, महिलाओं ने पर्व से जुड़े सामानों की जमकर की खरीदारी। और बनवासी वगिरी वासी समाज से जुड़े सदस्यों ने बाबा शकाल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विविध आयोजन हुए, एकता दिवस मनाते हुए रैली निकाली गई। देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वाराणसी समेत देश के सभी हिस्सों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। वाराणसी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे शामिल हुए। सरदार पटेल की 148वीं जन्म जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से शहर के तमाम इलाकों से बाइक रैली भी निकाली गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आज देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है, जिसको लेकर पूरा देश आज एकत्रित है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहादत दिवस को भी याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको ये भी बताते चले कि सरदार पटेल देश के पहले गृहमंत्री होने के साथ आजादी के बाद भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। रन फॉर यूनिटी, जिसे न सिर्फ वाराणसी बल्कि देश के विभिन्न शहरों में हम अलग अलग तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर सभी वाराणसी के लोगों को, सभी चंदौली के लोगों को, सभी उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आज के दिन हम लोग श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर राष्ट्रीय एकता का संकल्प लेने, दौड़ में भाग लेने, ताकि जो मोदी जी का सपना है और जिसे गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी और उसको तेजी से गृह मंत्रालय द्वारा भी इस विषय में पूरे देश को परिपत्र जारी हुए हैं, उसको साकार किया जा रहा है कि सारे देशवासी जिस तरह का राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र दुनिया का बनाने का सरदार वल्लभ भाई पटेल का संकल्प था, उसमें सहभागी हों, एकजुट हों, उसी अभियान में हम सब आज उपस्थित हैं। भारत माता की। इंदिरा गांधी की शहादत दिवस ही मना रहा है। नहीं, इंदिरा गांधी के वो जो दुखद निधन हुआ था उससे हम सब भी मर्माहत थे, हम सबकी भी उनके लिए श्रद्धांजलि है। मंत्री जी, एक आपके क्षेत्र से जुड़ा मामला है, आपके विधायक डी राम जी ने एक NH-56 को लेकर के कहा जाकर सवाल उठाया और गडकरी जी को भी जो है उन्होंने पत्र लिखा है कि जो NH-56 जो हरमुआ से राजा तलाव का जो मार्ग है वो जो है काफ़ी गड्ढा हो जाता है, उन्होंने अनियमितता की बात जो है उठाई है। मैं श्री त्रिभुवन जी से चर्चा करके इस विषय पर जो भी जनहित में आवश्यक होगा सब कदम हम लोग मिलकर। इसी कड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर वाराणसी में बीजेपी नेताओं ने एकता बाइक रैली निकाली। ये रैली मलदहिया से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को माल्यार्पण कर शुरू हुई। रैली में बीजेपी नेता हजारों की संख्या में शामिल हुए, जिसमें वाराणसी के सभी विधायक मंत्री शामिल हुए। मलदहिया चौराहे पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां उन्होंने स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बाइक पर सवार हजारों कार्यकर्ता व बीजेपी नेताओं ने रैली की शुरुआत की। ये रैली मलदहिया से शुरू होते हुए सिगरा कैंट, मढ़ौली होते हुए रोहनिया स्थित बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय पर खत्म हुई। हाथों में बीजेपी का झंडा और सरदार पटेल की तस्वीर लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह
काफी ज्यादा दिखा। बीजेपी नेताओं के नारेबाजी से पूरा क्षेत्र गूंज रहा था। बीजेपी नेताओं का कहना था कि सरदार पटेल ने एकता का संदेश दिया है, उसी संदेश के अंतर्गत हम देश को एकता के सूत्र में बांध रहे हैं, इसलिए ये बाइक रैली निकाली गई है। वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है, तो ये काफ़ी उल्लास दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और वो एक लौह पुरुष भी थे, भारत रत्न हैं, इसलिए उनके सम्मान में हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। और ये जरूरी भी है कि किसी का सम्मान करना, जो कि इतने लौह पुरुष और महान व्यक्तित्व के थे। इसी कड़ी में सुसवाही वार्ड नंबर 39 में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई गई। सुरेश कुमार पटेल ने बताया कि आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग सुसवाही सचिवालय से एक विशाल बाइक रैली निकाल रहे हैं, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पटेल चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय जाएगी। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, आज उनकी जयंती को हम लोग धूमधाम से पूरा देश मना रहा, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश उनकी जयंती को धूमधाम से मना रहा, और उनके जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग आज विशाल बाइक जुलूस का आयोजन किए हुए हैं, और जो कि हमारा सुसवाई पंचायत भवन से मलदहिया पटेल चौराहा पर पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद हम लोग शहर में विभिन्न स्थानों पर से होते हुए क्षेत्रीय कार्यालय रोहनिया पहुंचेंगे, और एक आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे लिए और पूरे देश के लिए। आप जैसा कि आप जानते हैं, सरदार पटेल जैसे व्यक्ति, उन्होंने 563 रियासतों को एक करके हमारे देश का जो एकीकरण किया है, उन उसी के लिए हम लोग आज एकता दिवस में उनके जन्मदिन को हम लोग एकता दिवस में मनाते हैं, और तमाम प्रकार के पूरा देश एक आज एकता दिवस के रूप में भारत को जोड़ने के रूप में दौड़ता है, चाहे बाइक जुलूस हो, साइकिल से जुलूस हो या पैदल हो, लोग इसी तरीके का कार्यक्रम आज हम लोग भी अपने सुसवाई पंचायत भवन से शुरू कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय ग्रंथालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित 5 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, कुलसचिव काशी हिंदू विश्वविद्यालय के करकमलों द्वारा महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं व आगंतुकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में परिचय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान सयाजीराव गायकवाड़ केंद्रीय ग्रंथालय के पुस्तकालय अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र कुमार सिंह ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित पुस्तकों, शोध ग्रंथों, पत्रिका इत्यादि के विषय में विस्तृत जानकारी दी। आज जो पुस्तक का एग्जीबिशन प्रदर्शनी जो लगाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य साहित्य की दुनिया और लिटरेचर की दुनिया से सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जो लौह पुरुष के भी नाम से जाने जाते हैं, कि आम पाठकों तक ये क्या थे, क्यों इनको लौह पुरुष कहा जाता है, इसके बारे में प्रचार प्रसार करना है। इनके विभिन्न कृतियों का, इनके ऊपर जो पुस्तक लिखे गए हैं, जो इनके द्वारा लिखे गए हैं, उनका एग्जीबिशन लगाया गया है। पुस्तकों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन तब भी संपूर्ण इनके व्यक्तित्व अवय एवं कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए काफ़ी है। कुछ पीएचडी शोध वर्क भी है, जो बीएचयू में समाज
शास्त्र संकाय में किया गया है, दो इतिहास डिपार्ट इतिहास में और दो समाज राजनीति शास्त्र में पीएचडी है, उनके ऊपर किए गए कामों का भी वर्णन है उसमें। और एक पुस्तक ऐसे भी हैं उसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लिखा गया है, और इसमें उस पुस्तक को पढ़ने से ये पता चलता है कि कितने अच्छे लिटरेचर के वो जानकार थे। जो इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत किया गया है और जो आज भारत के स्वरूप हैं, वो भारत का स्वरूप उन्हीं के चलते इस रूप में हम देख रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति करना तो था ही टफ, लेकिन उससे थोड़ा सा भी कठिन काम नहीं था आज के नक्शे के रूप में भारत को लाना। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को हम भूल नहीं सकते, लेकिन इतना आसान इतना टफ काम को कैसे आसान किया वो इस साहित्य की दुनिया में से उनको देख पा रहे हैं हम। डिफरेंट विभिन्न विभिन्न प्रकार के लिटरेचर हैं, इंसाइक्लोपीडिया भी है उनके ऊपर, कुछ पत्र ऐसे हैं जो उन्होंने समय समय पे महात्मा गांधी नेहरू इन लोगों को लिखे हैं, उस पत्र का भी एक संकलन है जो वाणी प्रकाशन द्वारा पब्लिश किया गया है। उस पत्र को पढ़ने से ये पता चलता है कि कितनी स्पष्ट भाषाओं में वो अपने मन की बात रख पाते थे, और स्पष्ट बोल्ड कितने, मतलब इंडिया के प्रति भारत के प्रति क्या उनका लगाव था, कुछ भी कहने में वो किसी से चुकते नहीं थे, और जो निर्णय ले लेते थे वो दीर्घ निर्णय होता था, और स्पष्ट कम्युनिकेट करते थे अगले को कि हम ये करने जा रहे हैं और ये होना चाहिए। इसी कड़ी में मंगलवार का दिन नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम रहा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में समस्त छात्र छात्राओं के साथ ही प्रधानाचार्य की अगुवाई में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। छात्र छात्राओं के द्वारा एकता श्रृंखला की संरचना निर्माण करते हुए एकता दौड़ का आयोजन विद्यालय के क्रीड़ा मैदान में किया गया। प्रधानाचार्य द्वारा सरदार पटेल के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए देश के प्रति उनके समर्पण एवं उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम का समापन देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्य रखने के शपथ के साथ हुआ। कार्यक्रम के दौरान उत्साहित बच्चों ने सरदार पटेल के सम्मान में ओजपूर्ण नारे लगाकर वातावरण को गुंजायमान किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉ दिवाकर राय एवं उपाध्यक्ष प्रवीण राय ने सभी को एकता दिवस की बधाई दी। आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जन्मदिन मना रही है, जो एकता के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, तब से लेकर ये आज़ादी के समय 136 रियासतों को एक साथ मिलाया, उसके बाद 562 रियासतों को मिलाकर एक देश की कल्पना किए, तब से लेकर आज तक हम सभी एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज अपने विद्यालय में भी बच्चों ने इनकी आपकी और शपथ लिया कि उनके मार्गदर्शन पर आगे हम चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। रखौना रिंग रोड के पास से दो राष्ट्रीय गांजा तस्कर को पुलिस ने 30 किलो गांजे सहित गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी जिले के सेवापुरी मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के साधु की कुटिया के पास से चेकिंग के दौरान लगभग 30 किलो अवैध गांजे के साथ दो राष्ट्रीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वहीं घटना का खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त गोमती जोन प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गांजा तस्कर बैग में गांजा छिपाकर जा रहे हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। एक तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला। वहीं डीसीपी ने बताया कि तस्कर गैंग बनाकर बिहार से गांजा लेकर जोधपुर राजस्थान में गांजा ले जाकर लालबिशन नाम के व्यक्ति को बेचने जा रहे थे। वहीं पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को जेल भेज दिया। आपकी जानकारी में मैं लाना चाहूंगा, एडिशनल डीसीपी सर्वनंद और ईसीपी राजा तालाब के नेतृत्व में ये वांछितों की गिरफ्तारी के लिए जो अभियान चलाया जा रहा था, इस दरमियान रखौना फ्लाईओवर के नीचे
जब पुलिस टीम लगी हुई थी तो ये दो संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, साहेब अली और अनूप गिरी। ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं, इसमें साहेब अली गोपालगंज का रहने वाला है, अनूप गिरी सिवान का रहने वाला है। इन दोनों आवितगढ़ के कब्जे से पिट्ठू बैग और एक और अन्य बैग में लगभग 30 किलो गांजा बरामद हुआ है। और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये बासनी करके जोधपुर में एक जगह पड़ती है, वहाँ ये सप्लाई करते हैं। इनका जरिया मास मादक पदार्थों की सप्लाई करना तथा उससे रकम कमाना है। इन दोनों की गिरफ्तारी मौके पर की गई। एसीपी राजतलाब के नेतृत्व में और इस टीम को मेरे द्वारा नकद 10,000 रुपये के नाम की घोषणा की जाती है। यह अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी खेप कैरियर्स के माध्यम से पकड़ी गई है। इनसे पूछताछ जारी है, ये बिहार में किस प्रकार से गांजा इकट्ठा कर रहे हैं और कहां से लेकर के आ रहे हैं तथा इनके और कौन कौन साथी हैं, इस बारे में भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। सर, सूचना कैसे प्राप्त हुई सर? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, लगातार रात्रि में संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत रहती है पुलिस। इसी दरमियान ये रखौना ओवरब्रिज जो है, इसके नीचे जहाँ से सारी गाड़ियाँ ली जाती हैं, वहाँ से इन संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई। जैसा कि फूलपुर पुलिस द्वारा गैंग सरगना की जानकारी आई थी, विश्वामित्र सिंह का नाम गाय तस्कर, अभी तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों नहीं पाई? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि आप थोड़ा इंतजार कर लें, जल्द इस गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाए। सर, जो आरोपी हैं सर, इसमें कहीं और इनकी आपराधिक इतिहास क्या है सर? अभी ये मान के चलिए, क्योंकि चूँकि अदर स्टेट के रहने वाले क्रिमिनल्स हैं, हमारे द्वारा इनके बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक हमें इसमें जो साहेब अली है, इसके बारे में एक्साइज एक्ट में बंद किए जाने की बारे में जानकारी हुई है। सर, इनके पास से क्या क्या सर मिले हैं, बरामदे क्या हुई? बरामदगी में लगभग 30 किलो गांजा बरामद हुआ है, जो 3 बैग्स में हैं। इसके अलावा 2 मोबाइल फ़ोन्स हैं और जो उनके खाना तलाशी में इनके पास से जो खर्च के पैसे हैं वो बरामद हुए। जैसे कि जो 30 किलो गांजा का कितने अमाउंट का होगा मूल्य? जो अभी बाजार मूल्य है वह लगभग 60,000 रुपये किलो का मूल्य है। इस हिसाब से लगभग 18 लाख रुपए की के माल की बरामदगी हुई है। करवा चौथ पर्व को देखते हुए बाजार गुलजार रहे, महिलाओं ने पर्व से जुड़े सामानों की जमकर खरीदारी की। करवा चौथ पर खरीदारी के लिए शहर के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। ज्वेलरी से लेकर कपड़े मेकअप सामग्री खरीदने में महिलाएं जुटी हुई हैं। करवा चौथ 1 नवंबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ में लगने वाली पूजन सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं। बाजारों में ठेलों पर करवा, दिए, सीख, चलनी के साथ ही पूजन विधि व कहानी की किताबें बिक रही हैं। इस व्रत को लेकर बाजार में काफी रौनक है। शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में करवा चौथ व्रत से संबंधित पूजन सामग्री की बिक्री खूब हो रही है। पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं में इस व्रत को लेकर विशेष उत्साह है। पंडित बलराम मिश्र ने बताया कि हिंदू धर्म में करवा चौथ पर्व का अलग ही महत्व होता है। ये पर्व हर साल कार्तिक महीने के चौथे दिन होता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए बड़े श्रद्धा भाव से इस पर्व पर व्रत रखती हैं। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है, साथ ही भगवान शिव, पार्वती, कार्तिक और गणेश जी भी पूजे जाते हैं। करवा चौथ की, जो कि मेरी भाभी, बहन और मम्मी ने किया हुआ है, उसके लिए। कहाँ रहती है? भगवानपुर। क्या क्या खरीदारी किया? करवा का थाली, चलनी, लोटकी और करवा और वो धूप वगैरह। किस तरह मनाया जाता है? किस तरह, इसमें पूरे दिन फास्टिंग की जाती है दिन भर, और शाम में चांद को देख के फिर पूजा करके व्रत तोड़ा जाता है पानी पी करके। बनवासी व गिरिवासी समाज से जुड़े सदस्यों ने बाबा श्री काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। बनवासी और गिरिवासी समाज के लोग इन दिनों काशी भ्रमण पर हैं। ये सभी रविवार को देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी पहुंचे। यहां धर्म, संस्कृति, परंपरा के संरक्षण व संवर्धन के लिए आदिवासी समुदाय के 111 प्रतिनिधि, 13 जिले, 45 विकास खंडों और 1828 गांवों के 18 जनजातीय समूहों के लोगों ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका। वहीं मंगलवार को इन सदस्यों ने बाबा श्री काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई।
सदस्य ने विधिवत बाबा का दर्शन पूजन किया। बाबा काल भैरव के दरबार में जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्य नारायण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भगवान सहाय, जनजाति सुरक्षा मंच के प्रादेशिक महामंत्री देव नारायण करवार, क्षेत्रीय संगठन मंत्री आनंद इत्यादि लोग उपस्थित रहे। काल भैरव मंदिर में आप लोग आए थे, क्या किया? ये काल भैरव मंदिर में हम लोग आए थे, जो आदिवासियों का हक धर्मांतरित मंत्रांतरित करके दूसरे ईसाई धर्म अन्य धर्म में जाके ले रहे हैं, दोहरी लाभ का योजना उठा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे केरल और मेघालय की सरकार ने, वहाँ के हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसके बाद कि आरक्षण का लाभ और उनको बाहर करने का किया, इसीलिए हम लोग बाबा विश्वनाथ के यहाँ कल अर्जी दिए हैं, आज बाबा काल भैरव के दिए हैं। जिस तरह से लोगों का मानना है कि बनारस में काशी में रहने वाले व्यक्ति अगर विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद काल भैरव को नहीं करते हैं तो अधूरा रह जाता है, उसी तरह हम लोग भी वहाँ कल ज्ञापन दिए और आज यहाँ ज्ञापन देने के बाद अपना कार्य पूर्ण किए और आगे के लिए संसद से और सरपंच तक की लड़ाई लड़ेंगे। आगे के लिए हम लोग तैयार है, जैसा भाई साहब ने बताया उसके लिए हम लोग तैयार है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय व बाल विद्यालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। डुमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर एक दिवसीय संगोष्ठी राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा कुलगीत प्रस्तुत किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी के चित्र पर तथा मां सरस्वती की प्रतिमा पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्रीनिवास ओझा अवकाश प्राप्त आचार्य संस्कृत विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ महाविद्यालय की निदेशिका एवं पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया प्रोफेसर कल्पलता पांडे तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ विजय शंकर मिश्र ने माल्यार्पण कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। संगोष्ठी में महाविद्यालय के शिक्षक डॉ अभिजीत एवं छात्राएं आस्था ओझा, साक्षी सिंह आदि ने सरदार जी के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्रीनिवास ओझा ने संगोष्ठी में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश के स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार जी अपने माता पिता के योग्य संतान थे। योग्य संतान का होना बड़े गौरव व भाग्य की बात होती है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के एकीकरण में सरदार जी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को स्वतंत्रता के पश्चात अपने विवेक, साहस व संयम से देश में शामिल किया। वो सच्चे देशभक्त थे। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। गांधी जी के कहने पर सरदार जी ने प्रधानमंत्री का पद अस्वीकार कर दिया था। प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने मुख्य अतिथि का सम्मान अंगवस्त्रम व तुलसी का पौधा देकर किया। संगोष्ठी में उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापन महाविद्यालय की शिक्षिका प्रतिभा गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में डॉ अरुण कुमार दुबे, डॉ रजनी श्रीवास्तव, डॉ रचिता सिंह, जया तिवारी, अंकिता आदि शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इसी कड़ी में बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती का समारोह मनाया गया, जिसमें बच्चों ने ये शपथ ली कि वो भी जाति धर्म देश की सीमाओं से हटकर एक मानवता, एक सोच, एक विश्वास रखने वाले व्यक्तित्व से परिपूर्ण समाज का एकजुट होकर एकता के साथ निर्वहन करेंगे। इन शब्दों और वचनों के साथ प्रधानाचार्य ने सभी को धन्यवाद दिया। नवागत नगर आयुक्त ने बाबा श्री काल भैरव व विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद कार्यभार संभाला।
जिले के नवागत नगर आयुक्त आईएस अक्षत वर्मा ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद विधिवत कार्यभार संभाला। आपको बता दें कि 2017 बैच के आईएस अक्षत वर्मा ने नगर निगम मुख्यालय भवन स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की और अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। उन्होंने बताया कि काशी एक धार्मिक नगरी है, यहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक एवं श्रद्धालु आते हैं। साथ ही काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसको देखते हुए शहर में बेहतर साफ सफाई, कूड़े का नियमित उठान, नगरवासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, सीवर सफाई, राजस्व वसूली में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही शासन द्वारा जारी योजनाओं को शत प्रतिशत पूर्ण करने में पूरा सहयोग दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने पत्रकार वार्ता के बाद शिष्टाचार में महापौर अशोक तिवारी से उनके कक्ष में जाकर औपचारिक मुलाकात की और नगर के विकास के लिए जानकारी प्राप्त की। इसके पहले नवागत नगर आयुक्त सीतापुर से सड़क मार्ग से चलकर सीधे काशी पहुंचे। सबसे पहले परंपरा के अनुसार उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके पश्चात श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के पश्चात नगर निगम मुख्यालय में अपने कार्यालय कक्ष में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। नगर निगम के अधिकारियों ने निगम के मुख्य द्वार पर पुष्पगुच्छ देकर नए नगर आयुक्त का स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात नगर आयुक्त ने मातहत अधिकारियों के साथ परिचय प्राप्त किया। देखिए, साफ सफाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है संचारी रोग की रोकथाम में। मैं जहाँ से आया हूँ सीतापुर जनपद में, मैं मुख्य विकास अधिकारी था, वहाँ भी मलेरिया का प्रकोप काफ़ी था, तो हम लोग ने वहाँ भी बहुत कोशिश की थी कि फॉगिंग और साफ़ सफाई उसको रखा जाए, नालियों में एंटी लार्वल स्प्रे और ये सब किया जाए, तो वही सब फोकस यहाँ भी रहेगा और जो उच्च अधिकारियों के निर्देश होंगे उनका भी अनुपालन किया जाए। सर, 2024 आने वाला है, साथ ही मतलब सरकारी काम से लेकर पब्लिक से काम से लेकर अब चुनाव का भी एक होगा, तो क्या मानते हैं इसको, क्या जिम्मेदारी मानते हैं? देखिए, अब जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसका पूरी लगन के साथ निर्वहन करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। आर्यमहिला पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय कार्यशाला व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आर्यमहिला पीजी कॉलेज में 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला व लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आर्यमहिला पीजी कॉलेज व पूर्वांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में समाजशास्त्र विषय में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रोफेसर अरविंद जोशी, पूर्व संकाय अध्यक्ष काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रोफेसर रमाशंकर त्रिपाठी, समाजशास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रोफेसर एसडी सिंह, समाजशास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रोफेसर कुमुद रंजन, वीकेएम काशी हिंदू विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज व मुख्य वक्ता डॉ ऋचा शर्मा, उपनिदेशक आईसीएसएसआर दिल्ली व विशिष्ट अतिथि पद्मश्री राजेश्वर आचार्य, प्रोफेसर रचना दुबे, प्रधानाचार्य श्री आर्यमहिला पीजी कॉलेज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया। मुख्य वक्ता डॉ ऋचा शर्मा ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक चेतना आत्मसाती प्रकृति की है, हमें अनुसंधान की प्रविधि के रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा के मूलभूत सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉ स्वाति एस मिश्र ने व संयोजन पूर्वांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ सुनील कुमार मिश्र ने किया व धन्यवाद अरविंद दुबे ने किया। इस अवसर पर डॉ शशिकांत दीक्षित, प्रोफेसर ओपी भारतीय, डॉ संतोष सिंह, डॉ रविन्द्र मिश्र, डॉ संध्या ओझा, प्रोफेसर शुचिता त्रिपाठी, प्रोफेसर भावना वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इतनी बुरी तरह से खोई है कि हिंदी में पढ़ने के बाद भी, अप टू 12th मेरी हिंदी में शिक्षण हुआ, लेकिन उसके बाद भी जिस दौर से हमें गुजरना पड़ा कि हमारे लिए इंग्लिश के अलावा कोई मार्ग नहीं रहा, क्योंकि एक भौतिकवाद के समय में हमारे करियर की शुरुआत हुई और उस भौतिकवाद में आपकी इंटेलेक्चुअल को, आपकी ज्ञान को आपकी लैंग्वेज के बेसिस पे जाना जाता था। आपको कितना ज्ञान है वो आपके ज्ञान के बेसिस पे नहीं जाना जाता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी लॉस्ट आवर बेसिक आइडेंटिटी ऑफ बीइंग हिंदू एंड नोइंग एंड स्पीकिंग इन हिंदी लैंग्वेज। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है कि बहुत लंबे काल तक, ऑलमोस्ट 15 साल तक मैं ऐसी संस्था में काम की हूँ जहाँ पे हम लोग इंग्लिश में ही बोलते थे। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कही।
नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरे पर कहा कि डिंपल यादव इस कुर्सी के लिए बेस्ट साबित होंगी। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री बनने के जवाब पर कहा कि उनको तो उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था लेकिन एक भी सीट नहीं जितवा पाई। कुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाई पर बचन न जाई। आई शशि प्रताप सिंह 24 गेट वाला राजपूत है, आज आपके माइक से कह रहा है कि शशि प्रताप सिंह को अगर सोना रूपी महल भी कोई दे देगा तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ और उनका हाथ छोड़ने वाला काम शशि प्रताप सिंह नहीं करेगा। गठबंधन में आप हैं, कितनी जिम्मेदारी से आप जो है? मैं PDA के साथ हूँ। PDA गठबंधन जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आगरा और आदिवासी के गठबंधन के साथ मैं हूँ। अखिलेश जी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, मैं PDA गठबंधन के साथ हूँ। और माननीय अखिलेश यादव जी जो भी जिम्मेदारी हमको देंगे या दिए हैं, मैं बखूबी पूरी तन मन धन से उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करूँगा। देखिए, हम चाहते हैं कि PDA गठबंधन में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद महिलाओं की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात करने वाले बुजदिल नेता लोग केवल बात तो महिलाओं की करते हैं लेकिन जब महिलाओं को सम्मान देने की बात आती है तो पीछे वाली कुर्सी देते हैं। नेशनल इक्वल पार्टी ऐसा नहीं करती है। नेशनल इक्वल पार्टी हमेशा महिलाओं को, अपनी माँ बहनों को आगे बैठा कर उनका सम्मान बढ़ाती है। और PDA गठबंधन से मैं कहना चाहता हूँ और उसमें होने के नाते यह कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी जी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री अगर बने तो महिला बने, और मैनपुरी की सांसद श्रीमती डिंपल सिंह यादव अगर बनती है प्रधानमंत्री तो मुझे लगता है कि देश बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो राजनीति में सभी चीज़ें परिपूर्ण हैं और उनका परिवार भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना रहा है, तो राजनीतिक अनुभव उनके पास बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर महिलाओं को सम्मान देने की बात जहाँ तक हो रही है तो शुरुआत 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए PDA करने जा रही है। प्रियंका गांधी देखिए फेल हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनी 2022 के चुनाव में और एक भी सीट नहीं जीतने के कारण वो फेल हो चुकी हैं, और डिंपल यादव जी सर्वोपरि हैं, उनका चेहरा सबसे अच्छा रहेगा प्रधानमंत्री के लिए। क्या लगता है अगर गठबंधन जो आपने बनाए हैं अगर नहीं मानता डिंपल यादव जैसे आप कह रहे हैं, इक्वल पार्टी जो आपके डिंपल यादव को वोट कर रहा है, अगर नहीं करता तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव से आप अपना जो है नाता तोड़ के फिर कहीं जाएंगे? कौन हम? हम तो कहीं नहीं जाएंगे। डिंपल यादव अगर नहीं बनेंगे तो अखिलेश जी बनेंगे। अखिलेश भी नहीं बने, नहीं बनेंगे तो अखिलेश जी तय करेंगे किसको बनाया जाए। मैं तो अखिलेश जी, मैं अखिलेश यादव जी कहेंगे आम को इमली तो मैं इमली कहूँगा, इमली को आम कहेंगे तो मैं आम कहूँगा। मैं अखिलेश यादव जी के साथ हूँ, कृष्ण और अर्जुन की तरह दोस्ती निभा रहा हूँ, इसी तरह निभाता रहूँगा, उनके साथ रहूँगा, आजीवन रहूँगा, कभी नहीं छोड़ूंगा उनके। वो अच्छा करेंगे तो भी ठीक है, ख़राब करेंगे तो भी ठीक है, हमको भगा देंगे उसके बाद भी मैं वहाँ से नहीं भागूंगा, उनके साथ ही रहूँगा। ओम प्रकाश राजभर देखिए अहंकारी हो गए थे, धृतराष्ट्र हो गए थे, अहंकारी रावण हुआ था जिसको घमंड हो गया था पैसे का, और धृतराष्ट्र अंधा हो गया था अपने पुत्र के मोह में, इसलिए मुझे वो छोड़ना पड़ा। ओम प्रकाश राजभर ने कभी नहीं समझा कि पत्नी से भी बड़ा मित्र होता है, पुत्र से भी बड़ा मित्र होता है, उन्होंने ये कभी नहीं समझा। ये लगता है कि आपको लगता है कि अखिलेश यादव धर्मपत्नी के आपकी बात मान के धर्मपत्नी को छोड़ सकते हैं? नहीं देखिए, ये बात देखिए पारिवारिक बात किसी के बारे में कहना यह उचित नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जी को मैं दिलो जान से मानता हूँ और अखिलेश यादव जी भी हमको छोटे भाई की तरह बहुत दिलो जान से मानते हैं, इसमें कहीं से दोराय नहीं है। आप लोग हर समय देखते होंगे मैं अखिलेश यादव जी को बहुत सम्मान, कहाँ तक माने 2024 तक माने या 2000 मणिकंका घाट तक दोनों भाई एक साथ दोनों की जनाजा उठेगी,
राजनीतिक जनाजा जो है दोनों अखिलेश यादव और शशि प्रताप सिंह की एक साथ उठेगी आजीवन। आपको पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? आपको मुझे नहीं, मैं बना के जाने का क्या मतलब था आपको? पार्टी बना के जाने का बहुत मतलब है। पार्टी बना के मैं गया तो अखिलेश यादव जी को मजबूत करने के लिए गया, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में अगर गया होता तो समाजवादी पार्टी जो मजबूत है ही, अगर उसमें प्लस कर दिया जाए एक पार्टी को और तो उससे मजबूती बढ़ती है। एक 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 और एक 11 होता है, एक में समाहित होंगे तो एक ही रह जाएंगे और एक के साथ एक जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। मैं 11 बनाने के लिए ओम प्रकाश राजभर NDA गठबंधन के पोंछ के सबसे निचला बाल हैं, उनकी वहाँ कोई अहमियत नहीं है। और मैं 2022 अप्रैल से सुन रहा हूँ कि मंत्री बनेंगे, और वो अपने लोगों को बेवकूफ़ और गुमराह बना रहे हैं। कम से कम उसी नाम पर हमारे साथ लोग खड़े रहें और वो मंत्री बनेंगे कि संतरी बनेंगे कि झाड़ू लगाएंगे कि कोयला बेचेंगे कि क्या करेंगे, बस एक सुसाइड कार्यक्रम है बकबक करना। और सारे लोग उनके बात से वाकिफ हो चुके हैं। ताली उनके समाज के लोग जब बजाते हैं तो उनसे पूछा जाता है क्यों ताली बजा रहे हैं, तो वो कहते हैं लोग कि हम तो नहीं समझ पाए क्यों ताली बजा रहे हैं, बगल वाला बजा रहा था हम ही ताली बजा दिए। तो एक प्रकार के इंजॉयमेंट और इंजॉय वाले नेता रह गए। शशि प्रताप सिंह 17 साल ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहा, कभी हाथ नहीं फैलाया, हमेशा देने का काम किया है। और मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हूँ, मैं अखिलेश यादव जी से भी अपने लिए कभी नहीं कहूँगा, ये आपके ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। अखिलेश यादव जी का दिल ही इतना बड़ा है कि वो अखिलेश यादव जी समय पड़ने पर शशि प्रताप सिंह के साथ कृष्ण भगवान की तरह खड़े हो जाएंगे, और जिस अर्जुन का रथ पे कृष्ण भगवान बैठ गए हों, जिस शशि प्रताप सिंह के साथ कृष्ण भगवान बैठे हों, वहाँ पर किसी चीज मांगने की जरूरत नहीं है, आप रुपये मिल जाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हुए विविध आयोजन, एकता दिवस मनाते हुए निकाली गई रैली। रखौना रिंग रोड के पास से 2 राष्ट्रीय गांजा तस्कर को पुलिस ने 30 किलो गांजे संग किया गिरफ्तार। करवा चौथ पर्व को देखते हुए बाजार हुए गुलजार, महिलाओं ने पर्व से जुड़े सामानों की जमकर की खरीदारी। और बनवासी वगैरह वासी समाज से जुड़े सदस्यों ने बाबा शकाल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। तो यह आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।